नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन 8 राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति की है उसके बारे में हमारे एग्जाम के लिए कुछ रिलेटेड या संदर्भ पॉइंट देखेंगे। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो 8 गवर्नर या राज्यपालों की 8 स्टेट के लिए नियुक्ति की है उसके बारे में हम नाम तो जरूर देखेंगे, लेकिन हमारे लिए पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के लिए आर्टिकल कौन से होते हैं इसके बारे में ये देखना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। भारत संविधान का जो अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक राज्यपालों की नियुक्ति, उनकी पदच्युति और शक्तियाँ आदि से जुड़ा है, और अनुच्छेद 115 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल हमारे राज्य का या सभी राज्यों का एक संविधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ही विल हेल्ड द ऑफिस एंड ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नर। तो 155 ये हमने अनुच्छेद देखा, आर्टिकल नंबर 153 से लेके आर्टिकल नंबर 162 तक राज्यपालों की रिमूवल, अपॉइंटमेंट, पावर इनके बारे में जिक्र किया हुआ है, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए उनकी जो सभी कार्यकारी पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, दे राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंस है। तो 8 राज्यपाल देखेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल, नए जो राज्यपाल है उनका नाम है थावरचंद गहलोत। मिजोरम के राज्यपाल, उनका नाम है हरी बाबू कंभमपति। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा के राज्यपाल है उनका नाम है पी एस श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के राज्यपाल उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और लास्ट झारखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है रमेश बैंस। तो ये मुख्य खबर थी। उसके बाद आते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला है, उसके लिए भारत की ओर से मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम ये ध्वजवाहक हो गए। तो ये फ्लैग बियरर हो गए मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। हम सभी लोग जानते हैं मेरी कॉम, उनका जो फील्ड ऑफ स्पोर्ट है वो बॉक्सिंग है, वेर मनप्रीत सिंह उनका जो फील्ड ऑफ स्पोर्ट है वो मेंस हॉकी के टीम के कैप्टन भी है। उसके साथ हमें ये जानना भी उतना इम्पोर्टेंस होता है कि बजरंग पूनिया जो हमारे ओलंपिक का टोक्यो ओलंपिक का क्लोजिंग सेरेमनी होगा उसके लिए बजरंग पूनिया फ्लैग बेयरर की तरह काम करेंगे। इस बार जो इंडिया की एथलेटिक्स की टीम होगी उनमें से मोर देन 100 लोग उसमें पार्टिसिपेट हो गए। वो 100 में से 56% महिलाएं हैं और 44% फीमेल एथलेटिक्स हो गए। और लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उन्होंने ये प्रोविजन किया था कि हर एक देश के लिए बोथ जेंडर एक फ्लैग बियरर हो गए। इसके तहत आपको ये जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। मेरी कॉम ये बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है और मनप्रीत सिंह ये हमारे हॉकी के मेल के कैप्टन हैं। नेक्स्ट सुर्खियाँ आती है दिलीप कुमार के बारे में।
सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता या मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार 98 वर्ष की आयु में लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। 1922 में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और 1944 में जो फिल्म ज्वारा भाटा, इस बजौरा भाटा से उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उनकी जो हिट फिल्म है उनमें से मुगल ई आजम, नया दौर, बाबुल, दीदार, मधुमति, देवदास, गंगा जमुना, राम और श्याम, कर्मा इत्यादि महत्वपूर्ण है। उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2015 में पद्म विभूषण इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये थे हमारे दिलीप कुमार, जिन्हें हम मोहम्मद यूसुफ खान के नाम से भी, मूल नाम से जानते हैं। 98 वर्ष की आयु में उनका मुंबई में निधन हुआ। नेक्स्ट बात आती है 2021 के लिए एयरलाइन ऑफ द ईयर। एयरलाइन ऑफ द ईयर ये अवार्ड कोरियन ईयर को दिया गया। तो 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर ये कोरियन ईयर को, इसे हम ऑस्कर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री का ऑस्कर भी कहते हैं, दिस इज नोन एज एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड कोरियन ईयर के लिए इसलिए दिया गया कि कोपिंग द COVID-19 एक्सलेंटली। तो कोरियन ईयर को ये पुरस्कार COVID-19 को उत्कृष्ट रूप से मुकाबला करने के लिए दिया गया। हमें ये भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर, जिसे ऑस्कर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री का अवार्ड कहते हैं, ये ATW द्वारा, ATW का लॉन्ग फॉर्म होता है एयर ट्रांसपोर्ट बोर्ड द्वारा दिया जाता है, जो 1974 से स्टार्ट किया गया था। एयर ट्रांसपोर्ट बोर्ड या ATW एक ऑनलाइन एंड प्रिंट पब्लिकेशंस है, जो भी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ होती है उनको कवर करती है। दक्षिण कोरिया का जो एयरलाइन है कोरियन ईयर, अगर दक्षिण कोरिया की बात आती है तो ये ईस्ट एशिया का एक देश है और उसकी राजधानी सियोल आती है और मुद्रा जो होती है जिसे हम कोरियन गणराज्य वॉन कहते हैं या कोरियन रिपब्लिक WON ओन कहा जाता है। नेक्स्ट, इस जुलाई मंथ में जो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में है। तो ये इंडो पैसिफिक समिट जो CII और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। CII का लॉन्ग फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या भारतीय उद्योग परिसंघ। तो ये जो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट है, तो ये हम कहेंगे दिस इज़ दी फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2019 में इस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, जो IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स है, ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव्स है फॉर कंट्रीज टू वर्क टुगेदर फॉर द कोऑपरेटिव एंड कोलाबोरेटिव सॉल्यूशन टू द कॉमन चैलेंजेस इन टू द रीजन्स। 2019 द्वारा IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को पंतप्रधान मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो भी इस रीजन की जो नॉर्मल चुनौतियां है उस चुनौतियों को सहकारी और सहयोग के समाधान के लिए देशों के साथ काम करके उनको हल करना। और ये IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एक खुली और गैर संधि आधारित एक पहल है, या हम परियोजना भी कहेंगे। इस इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो फर्स्ट संस्करण था 21 देशों
देश उन्होंने उनमें हिस्सा लिया था। और इस देश अपनी जो आर्थिक साझेदारी, समुद्री संसाधनों का सतत या सस्टेनेबल यूज़ करना और भविष्य के आर्थिक विकास को एक बढ़ावा देना, इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का एक पार्ट हम जरूर कह सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा जो संयुक्त संचार, जिसे हम जॉइंट कम्युनिकेशंस कहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, दोनों मिनिस्ट्री द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जो वन अधिकार अधिनियम है, जिसे हम फॉरेस्ट राइट्स या FRA एक्ट 2006 कहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की तहत ये जो संयुक्त संचार है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को एक सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करना, इसका प्रावधान इस हस्ताक्षर के पीछे आता है। अधिक प्रभावी कार्यान्वयन करना, तो आदिवासी जो भी जनजातियां हैं उनको बजट को दोगुना करना, एट द सेम टाइम वनधन योजना से वनवासियों को लाभान्वित करना, ये जो जनजातियां वनवासी लोगों के लिए जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है, जिस तरह से वनधन स्कीम के बारे में हमने देखा, तो मोस्टली जो भी ये जनजातियां हैं उनके लिए उनके जो राइट्स फॉरेस्ट के बारे में ड्वेलिंग करने के हो सकते हैं, या अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट है जो फॉरेस्ट या संसाधनों के बारे में आते हैं, तो उनको यहाँ पे हम कहेंगे उनको मान्यता देना, ये भी इस समझौतों पर हस्ताक्षर करने का मेन उद्देश्य भी था। नेक्स्ट बात आती है AFC महिला एशियाई कप, जो भारत 2020 में उसकी मेजबानी करने वाला है। AFC महिला एशियाई कप, जिसे हम एशियाई फुटबॉल परिसंघ भी कहते हैं, तो ये जो AFC या जिसे हम नाम दिया था कि AFC महिला एशियाई कप, भारत 2022 में जो मेजबानी करने वाला है, उसके लिए दो स्टेडियम को हमने चूज़ किया हुआ है। एक है मुंबई फुटबॉल अरीना, जो अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आता है, और दूसरा आता है शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो बालीवाली पुणे में स्थित आता है। तो दोनों भी AFC वुमेन एशियन कप इंडिया 2020 को जो यहाँ पे मेजबानी जरूर करने वाला है, तो मे बी इन कमिंग डेज 2022 में, जो जनवरी फरवरी में AFC वुमेन एशियन कप की जो भी कंपटीशन होगी, उसके लिए ये स्टेडियम काम करेंगे या फोन काम पे हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि फ़ोन पे, जिन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट को डिजिटाइज करने के लिए हस्ताक्षर किए, उसके बारे में आती है। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब कोविड या इस महामारी के टाइम जो कैशलेस प्रोडक्ट है या सेवा है, उनको थोड़ा सशक्तिकरण करना, इसका ये उद्देश्य होता है। तो फोन पे एंड फ्लिपकार्ट, हम सभी लोग जानते हैं कि मित्रा या मिंत्रा और फोन पे, ये दोनों भी फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स की कंपनी है उसकी एक हम कहेंगे सब्सिडरीज है, और फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। और फोन पे की बात आती है तो ये भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसे हम इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी कहते हैं। तो फ्लिपकार्ट और फोन पे के जो समझौता हुआ है, तो मेन पर्पस उनका कैश ऑन डिलीवरी भुगतानों के टाइम एक डिजिटाइज करना, ये उद्देश्य उसके साथ आता है। नेक्स्ट बात आती है नितिन गडकरी, जो खादी ग्रामोद्योग पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हमारे नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग
एट द सेम टाइम SMSE के मंत्री है। अभी वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसिडर हो गए। हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसिडर होने का मेन पर्पस इस खादी प्राकृतिक पेंट को लोगों तक पहुंचाना, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, और जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है, युवा उद्यमी है, उनको गोबर पेंट के पेंट के लिए, खादी ग्रामोद्योग पेंट के लिए निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी उसके पीछे उद्देश्य है। यहाँ हम सभी लोग जानते हैं कि एक खादी प्राकृतिक पेंट को श्री गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था। खादी ग्रामोद्योग पेंट फिलहाल डिस्टेंपर और इमल्शन इस दो वैरायटी में अवेलेबल है, और खादी प्राकृतिक पेंट की जो असला बात है, उनमें से जो मेजोरिटी अगर हम मेंशन कर सकते हैं, इट इज कंसिडर एज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और प्राकृतिक थर्मल इंसुलेशन आदि गुण उसमें शामिल है। और ये पेंट, खादी ग्रामोद्योग पेंट, पर्यावरण अनुकूल, गैर विषैला, गंधहीन और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जो कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट है, ये जयपुर स्थित इंस्टीट्यूट है, उनमें ये प्राकृतिक खाद या जो भी पेंट है, इस पेंट को बनाया जाएगा, जिसका हमने नाम भी मेंशन किया है, खादी प्राकृतिक पेंट, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर में है। इस इंस्टीट्यूशन में इस प्लान को ऑलरेडी जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था। और ये कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट जो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है, उसी का भी पार्ट आता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में जो तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व आता है, उसमें किंग कोबरा इस जो का रिजर्व में उसको फर्स्ट टाइम देखा गया है। किंग कोबरा का अगर साइंटिफिक नेम आता है, उसे ओफियोफैगस हना कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा होता है कंजर्वेशन रिजर्वेशन में। कंजर्वेशन जो तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व है, उसमें इसको लोकेट किया गया। किंग कोबरा की जिस तरह से बात आती है, दुनिया का सबसे लंबा 3-4 meters और लगभग 6 kg वेट का होता है सांप है किंग कोबरा। तो कोल्ड ब्लडेड है मोस्टली, ये आमतौर पर हम गर्म जलवायु को पसंद करता है। पश्चिम घाट की जो जंगल है, ये किंग कोबरा का प्राकृतिक आवाज भी है, और IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में उसको सूचीबद्ध किया है। उसकी मोस्टली जो खाद्य सोर्स होते हैं, उसमें विषैले और गैर विषैले दोनों भी सांपों का सहभाग होता है। उसके साथ छिपकलियाँ, जिसे हम लिजार्ड कहते हैं, एग्स होते हैं और स्मॉल मैमल्स उसके ऊपर फीड करता है। किंग कोबरा की और एक खासियत जो आती है, ऑलमोस्ट लॉन्ग लिविंग स्नेक है। 20 years अगर वो प्राकृतिक जगह पे अपना जीवन व्यतीत करता है, तो 20 years की उसकी आयु होती है। और दुनिया का एक ऐसा सांप है जो अंडों के लिए अपना घोंसला बनाता है। तो अंडों के लिए घोंसला बनाने वाला कोई स्नेक है तो ये किंग कोबरा है। तो मोस्टली हमें ये जो स्ट्रीम्स होते हैं, उसी के बाजू में आपको किंग कोबरा मिलता है। किंग कोबरा का जो नाम है ओफियोफैगस हन्ना कहा जाता है। जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट उसका एक प्राकृतिक ठिकान है, ये भी हमें जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो ऑलमोस्ट जो लास्ट पॉइंट जो आता है केन्स फिल्म फेस्टिवल में, जो हमारे ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडियन पैविलियन का जो वर्चुअली उद्घाटन किया है, उसके बारे में। तो केन्स फिल्म फेस्टिवल जो केन्स सिटी है फ्रांस में, तो हमेशा 1946 से इसको ये आयोजित किया जाता है। तो ऑल टाइप ऑफ जो भी फिल्म्स जनरीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, ऑल ओवर की वर्ल्ड यहाँ पर शोकेस की जाती है। तो ये केन्स फिल्म फेस्टिवल एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये पॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह ऑलमोस्ट हमने 10 points कवर किया है। 10 points या इस ऑडियो को एक दो बार सुनने के बाद डेफिनेटली
हमारे जो पॉइंट होते हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं। स्पेलिंग भी जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होता है, लॉन्ग फॉर्म मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। थैंक यू और वेरी थैंक यू फॉर काइंड लिसनिंग ऑफ पर्सन टाइप ऑफ द ऑडियो फ्रॉम माई एंड। थैंक यू वेरी मच। Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.